कल मैंने कुछ प्रोग्राम्स दिए थे बनाने के लिए आपको, और ये थे हमारे प्रोग्राम्स। आपने ट्राई करी थी उन प्रोग्राम्स को बनाने की? नहीं सर, कल मेरे को बिल्कुल नहीं टाइम लगा, नहीं लगा। बट मैं करूंगी आज। जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया था, तो आज आप इनको करके देखना, ठीक है ना? कि भाई फैक्टोरियल निकालना है, नंबर को चेक करना है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, तो ये सब काम आप कैसे करोगे, तो आज इनको करके देखना, ठीक है? चलो अब हम आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पाइथन के अंदर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लिस्ट। तो आज हम बात करेंगे पाइथन लिस्ट की। ये जो हमारा लिस्ट है ये लाइक एरे होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर एरे यूज करते हैं ना, यहाँ पे हमारा लिस्ट होता है और लिस्ट एरे के तरह ही काम करता है, ठीक। इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, एंड इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। आप किसी भी टाइप्स की वैल्यू को डाल सकते हो। भाई आप लिस्ट के अंदर, लिस्ट हमारा एरे के तरह होता है, इसके अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो और इसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यूज को डाल सकते हो। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, और मान लो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दिया, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल, अब ये बन गया हमारा लिस्ट। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कर दूँ प्रिंट एम। अरे मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अरे मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया वो वैल्यू आ गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट एम ऑफ 0, तो ये 0 का वैल्यू दिखा देगा। ये देखो 0 में हमारा क्या है, 11 है। इतना ही नहीं, अभी मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, मैं इसमें चेंजेस भी कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ 0 इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ बोल देता हूँ संतोष। अब यदि मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ एम को, तो वो देखो लिस्ट की जो वैल्यू है हमारी वो चेंज हो जाएगी। संतोष आएगी। ये देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, संतोष आ गया ना, आपने चेंज कर दिया। तो लिस्ट की अच्छी बात यही होती है कि तुम इसमें चेंज कर सकते हो। अब मुझे पता करना है सही में ये लिस्ट है या कुछ और है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ एम। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, अब यदि मैं इसको रन करूं, ये देखो जो हमारा एम है वो कौन से टाइप का है, लिस्ट टाइप का। तो लिस्ट जब भी हम बनाते हैं तो लिस्ट के अंदर हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं यहाँ पे जो एरे के साथ लगाते हैं, और इस तरीके से हम लिस्ट में वैल्यू दे सकते हैं। हम यहाँ के पे पूरा की पूरी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर फॉर लूप लगा देते हैं। हम यहाँ बोलते हैं फॉर आई इन, लिस्ट का नाम क्या है एम, और मैं यहाँ बोल देता हूँ प्रिंट आई, रन करो। ये देखो आपने यहाँ पे सारा वैल्यूज को एक एक करके डिस्प्ले करवा दी। तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगा रहे हैं, और फॉर लूप लगा के भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यूज हैं। तो लिस्ट से वैल्यूज को देखो, वैल्यू डालने के लिए हम ये काम करते हैं, वैल्यू को दिखाना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं, वैल्यू में चेंजेस करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी हमें ये देखना है कि उसका टाइप क्या है, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। हम यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं, और फॉर लूप के थ्रू हम यहाँ पर वैल्यू को देख सकते हैं। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि प्रिंट, मुझे यहाँ पे लिस्ट में प्रिंट करना है, कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे 0 से स्टार्ट करके 2 तक जाना है, यानी कि 0 से लेके 2 तक ये डिस्प्ले करेगा वैल्यूज को। ये देखो इसने क्या डिस्प्ले करा, 0 से लेके 2। तो 0 से लेके 2 का मतलब क्या है, ये हमारा 0 है, ये 1 है, तो 1 2 2 वैल्यू को इसने डिस्प्ले कर दिया ना। तो इस अलग तरीके से हम यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्लैसिंग करना, मतलब आप लिस्ट में देख पा रहे हो कि कहाँ से वैल्यू हमें लेना है, ठीक। अभी मैं बोल देता हूँ टू कॉलम, टू कॉलम का मतलब 2 के बाद जितने वैल्यूज हैं सबको दिखा देगा। अब यदि मैं इसे रन करूँ, ये देखो 2 के बाद जितने वैल्यू हैं 33 44 55 जो भी वहाँ रह जाती है। चलो एक सर, उसने उसको जो ये पहला इंडेक्स उसने अगर 0 काउंट
देखो पोजीशन जो होता है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? जैसे ये जीरो हो गया, ये हाँ वन हो तो गया, ये जो टू हो गया। जैसे अब हमने यहाँ पे बोला कि जीरो कॉलन टू, यानी कि जीरो से कितने कैरेक्टर लेना है, दो कैरेक्टर, दो पोजीशन तक की वैल्यू लेनी है। एक हमें कहाँ से लेना है, दो से स्टार्ट करना है, कहाँ तक? तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। यदि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ दो को दो से लेके स्टार्ट करो, ये देखो, तो दो मतलब हमारा क्या हो गया, ये वाला पोजीशन जीरो वन टू, दो से लेके ये सारे वैल्यूज को इसने शो कर दिया। तो ये हमारा लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो, किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। और लिस्ट के साथ जो सबसे अच्छी बात होता है वो ये होता है कि लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब ये जो हमारा लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब तुम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो, वी चेंज कैन मेक चेंजेस, वी कैन मेक चेंजेस, हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। तो कर ये हमारा लिस्ट। तो लिस्ट के लिए यदि मैं सिंपल बात करूं तो भाई इस तरह की ब्रैकेट यदि हम लगा देते हैं तो हमारा लिस्ट हो जाता है। वैल्यूज दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, तो ये हमारा लिस्ट। लिस्ट के बाद अब मैं इसको जरा कमेंट कर देता हूँ। लिस्ट के बाद अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, लिस्ट के बाद अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं पाइथन टपल। टपल ये जो टपल होता है ये बिल्कुल लिस्ट की तरह होता है, लाइक लिस्ट, लेकिन यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट चलता है, ये पैरेंथेसिस चलती है, लाइक लिस्ट, ये लिस्ट की तरह ही होता है, जैसे हमारा टपल लिस्ट काम कर रहा था वैसे। और यहाँ पे ये ब्रैकेट लगती है, और अंतर क्या होता है, ये नॉन म्यूटेबल होता है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, टपल इज नॉन म्यूटेबल। जो हमारा टपल होता है वो नॉन म्यूटेबल होता है, नॉन म्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डाल दूँ, ये देखो, अब यदि मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एम, यहाँ पे भी मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर आई इन एम, अब यदि मैं यहाँ पे कर दूँ प्रिंट आई, अब ये सब काम करेगा, ये देखो, ये भी वही काम कर रहा है, ये देखो, ये हमारी वैल्यू आ रही है, एक एक करके हम इसको दिखा भी रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यदि मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, यदि मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रिंट एम ऑफ जीरो, तो ये हमारा जीरो पॉकेट में जो वैल्यूज है उस वैल्यू को भी शो कर देगा। यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं, केवल एक काम नहीं कर सकते हम, यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते एम ऑफ जीरो एम ऑफ वन इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू डालना चाहूँ तो ये काम आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, रन करो, ये देखो एरर आ गई, कैन नॉट असाइन ए फंक्शन कॉल, आप इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक? चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे डालता हूँ, गलत डाल दिया था मैंने। अब यदि मैं रन करूँ, ये देखो प्रॉपर मैसेज मिल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, आप बार बार वहाँ पर आइटम नहीं डाल सकते। तो ये जो लाइन है ये हमारा एरर है यहाँ पर। तो ये एरर क्यों है, क्योंकि टपल में तुम चेंज नहीं कर सकते, जो टपल होता हमारा इज नॉन म्यूटेबल होता है, बाकी सारा काम लिस्ट की तरह ही करता है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रिंट एम ऑफ, कहाँ से स्टार्ट करना है, दो से सारे वैल्यूज को दिखा दो, तो ये दो से सारे वैल्यूज को दिखा देगा। अभी मैं रन करूँ तो यहाँ पर इसने सारे वैल्यूज को दिखा दिया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है कि टपल के अंदर आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा टपल, एक होता है लिस्ट, एक होता है यहाँ पर टपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी तो मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि भाई ये है लिस्ट, ये है टपल, इसके ऊपर काफ़ी एक चैप्टर आएगी पूरी की पूरी, दोनों सभी इन सभी टॉपिक के ऊपर। अब देखो यहाँ पे जो एक होता है यहाँ पर सेट, एक होता है यहाँ पर सेट, ये जो सेट भाई साहब होते हैं, देखो ये जो हमारा लिस्ट है, ये लिस्ट जो होता है ये ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम, तुम जिस ऑर्डर में आइटम को दोगे उसी ऑर्डर को मेंटेन करेगा ये भी, ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम होता है। अब जिस ऑर्डर में दोगे उसी ऑर्डर में डेटा आएगी। जो हमारा टपल भी होता है वो भी ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम ही होता है, टपल में भी तुम जिस ऑर्डर में दोगे उसी ऑर्डर में आएगी, ठीक है, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। और ये जो हमारा सेट होता है ना, ये सेट थोड़ा सा अलग होता है, ये क्या होता है, अनऑर्डर सीक्वेंस ऑफ यूनिक आइटम, अनऑर्डर सीक्वेंस ऑफ, ये यूनिक, ये ना ऑर्डरिंग को चेंज कर देता है, ये अनऑर्डर सीक्वेंस ऑफ यूनिक आइटम होता है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रखता। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रखता। तो मैंने बोला कि सेट जो होता है हमारा वो अनऑर्डर सीक्वेंस ऑफ यूनिक आइटम होता है, और सेट के साथ हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ये वाला, ये ब्रैकेट लगा,
जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ ये वाला वैल्यू डाल दिया। अब मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर आई एन एम, अब यदि मैं यहाँ पे आई को डिस्प्ले कर दूँ प्रिंट आई, और यदि मैं इसे रन करूँ, अब ज़रा गौर से देखो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ गए लेकिन कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखो। यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई इसका टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ एम, अब यदि मैं इसको रन करूँ तो ये हमारा क्या है यहाँ पर सेट है। तो याद रखना सेट के अंदर क्या है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं लेता, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को नहीं लेता। और अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोलो, चूंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटाता है बीच से, तो ये क्या करता है ना सीक्वेंस को भी चेंज कर देता है, मतलब डेटा जो आएगा वो कुछ अलग सीक्वेंस में आता है मेरे पास जो डेटा आएगा। देखो सारे वैल्यू डुप्लीकेट हैं, लेकिन यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो सीक्वेंस उसने चेंज कर दिया, मैंने तो इस सीक्वेंस में वैल्यू नहीं दी थी। तो जो हमारा सेट होता है ये अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ यूनिक आइटम होता है, ये यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है, ये जो हमारे डुप्लीकेट वैल्यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है, तो ये केवल यूनिक वैल्यूज़ को रखता है। तो सेट की सबसे अच्छी खासियत यही है, ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, और यदि मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे मान लो इसमें चेंज करना है, तो यदि मैं बोलता हूँ एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ संतोष, अब यदि मैं इसको रन करूँ, देखो जो हमारा सेट होता है ये भी टपुल की तरह ही होता है, यानी कि ये भी जो होता है ये क्या होता है, नॉन म्यूटेबल होता है, नॉन म्यूटेबल होता है, इसमें भी तुम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे आप टपुल के अंदर चेंज नहीं कर सकते, उसी तरह से यहाँ पे इसके अंदर भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये है हमारा यहाँ पर सेट। तो एक था हमारे पास यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितनी अजीब स्थिति है, हमें कितनी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये वाला ब्रैकेट लगा दोगे तो बन जाएगा लिस्ट, और ये वाला ब्रैकेट लगा दोगे तो बन जाएगा टपल, और ये ब्रेसेस लगा दोगे तो बन जाएगा सेट। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं डिक्शनरी, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिक्शनरी। ये जो हमारा डिक्शनरी होता है ये की एंड वैल्यू के पेयर में चीज़ों को रखता है, यहाँ पे की होते हैं एंड वैल्यूज होते हैं, की एंड वैल्यू के पेयर में ये चीज़ों को रखता है। और डिक्शनरी में आप बनाते कैसे हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ एम इज इक्वल टू, अब मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ नेम, अब नेम में आप क्या डालते हो यहाँ पे, मैं बोलता हूँ संतोष कॉमा, मैं यहाँ बोलता हूँ रॉल इज इक्वल टू, रॉल इज इक्वल टू, अब मान लो मैं यहाँ पे रॉल में क्या डालता हूँ, मैं रॉल में डालता हूँ कॉलन वन। तो ये हमारा यहाँ पर डिक्शनरी। यदि मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉर, मैं यहाँ पर एम को डिस्प्ले कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट एम, अब देखो अभी मैं इसको रन करूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, ये भी यहां पे एरर है। ये एरर क्यों है, क्योंकि आप इसमें चेंजेज नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा एरर है। तो मैं इसको भी हटा देता हूं यहां से, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। तो यहां पे हमारे अलग अलग कलेक्शंस होते हैं, और कलेक्शंस के अंदर हम लोग यहां पे लिस्ट यूज़ करते हैं, सेट यूज़ करते हैं, डिक्शनरी यूज़ करते हैं। ये देखो हमारा डिक्शनरी है, अभी मैं इसको रन करूँ यहाँ पर, ये देखो आपने डाल दिया नेम इज इक्वल टू संतोष। मान लो मुझे यहाँ पर केवल नेम देखना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम ऑफ, मुझे यहाँ पे क्या देखना है, नेम देखना है, तो मुझे ये नेम की वैल्यू को शो कर देगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो नेम क्या आ गया, संतोष आ गया ना, उसके वैल्यू को इसने शो कर दिया। मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर आई इन एम डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ किस, और मैं यहाँ पे आई को डिस्प्ले करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ आई को डिस्प्ले करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली मैं एम कर देता हूँ, और ये मैं यहाँ पे आई को डिस्प्ले करता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो इसने की ले लिया ना नेम एंड रॉल। तो जब हम इस तरह से देख रहे हैं तो ये की दिखा रहा है मुझे। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे वैल्यू भी देखना है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रिंट एम ऑफ आई। यदि मैं यहाँ पे एम ऑफ आई कर दूँ तो मुझे वो वैल्यू भी दिखा देगा, ये देखो। तो उसने मुझे दिखा दिया कि जो नाम है वो हमारा क्या है, संतोष है, और जो रोल है हमारा वो क्या है, वन है। तो ये हमारा यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर की एंड वैल्यू होती है।
अच्छा यदि मैं इसमें चेंज करना चाहूँ तो, यदि मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एम और एम में मैं नाम को फिर से चेंज कर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ बोलता हूँ एम ऑफ नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर बोलता हूँ राजीव, और यदि मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट एम, यदि मैं इसको रन करूँ तो ये देखो, यानी कि डिक्शनरी जो होता है नॉन म्यूटेबल होता है, नॉन म्यूटेबल का मतलब सॉरी म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल का मतलब आप उसमें वैल्यू डाल सकते हो, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हाँ, हो। तो ये जो हमारा डिक्शनरी होता है ये म्यूटेबल होता है। तो डिक्शनरी म्यूटेबल जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से लगाते हैं, तो यदि इस ब्रैकेट को आप ऐसे यूज़ कर लोगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा, और यदि तुम इस तरीके से यूज़ कर लोगे तो ये हमारा डिक्शनरी हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे पाइथन में एज सच एरे नहीं होता है, लेकिन एरे के जगह पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ आ गई, डिफरेंट टाइप्स आ गए। कौन कौन से आ गया? लिस्ट आ गया, सेट आ गया, टपल आ गया, डिक्शनरीज आ गया। तो इन चीज़ों को आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो हम यहाँ पे लेते हैं एन एम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ संतोष, मैंने डाल दिया। अब यदि मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है ना। अब मैं बोलता हूँ एन एम ऑफ जीरो, आप जरा गौर से देखो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है, मल्टीपल कैरेक्टर को ही तो हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो एस आ गया, ए आ गया, एन आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग हम इस तरीके से बनाते हैं, डबल कोटेशन के अंदर हम डाल दें तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। हम सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रिपल सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब एक चीज़ और देखो, यदि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एन एम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ए, तो क्या ये काम करेगा? ये देखो इस एरर आ गई, एस टी आर डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, याद रखना। तो ये हमारा कौन सा टाइप है? ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम डाल सकते हैं। और स्ट्रिंग जो होता है ये भी क्या होता है, ये नॉन म्यूटेबल होता है। नॉन म्यूटेबल मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि ये वाला जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा है ये लाइन हमारा यहाँ पे क्या दे देगा, एरर दे देगा। समझ में आई बात? यहाँ पे भी हम फॉर लूप लगा सकते हैं, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ फॉर आई इन, हम यहाँ बोल देते हैं एन एम, और यहाँ पे डिस्प्ले कर दो आई को, मैं बोल देता हूँ प्रिंट ऑफ आई, और ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, आ गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक होता है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसके अंदर हम इस तरीके से वैल्यू डालते हैं और हम काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एन एम ऐसे लिखूँ, हम एन एम को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो एन एम इज इक्वल टू, और मैं सिंगल कोटेशन के अंदर ये डाल देता हूँ, सिंगल कोटेशन के अंदर संतोष डाल देता हूँ, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। स्ट्रिंग के लिए चाहे तो मैं ये यूज़ कर लूँ, ये यूज़ कर लूँ। अब और चीज, एक चीज़ देखो, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एन एम इज इक्वल टू, चाहे मैं ट्रिपल डबल कोटेशन डाल दूँ, मैं यहाँ पर ट्रिपल डबल कोटेशन डाल दूँ, तो ये भी हमारा वही काम करेगा। तो यदि मैं इसको कमेंट कर दूँ, ये देखो तब भी आप सेम रिजल्ट मिल रहा है, नेम एन एम इज नॉट डिफाइन, ये क्या ओ स्मॉल कैपिटल। यदि मैं रन करूँ यहाँ पर, ये देखो ये भी हमारा वही काम कर रहा है। इतना ही नहीं, एन एम के अंदर मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ एन एम इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संतोष। तो अब जरा गौर करो कि स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, ये देखो ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, और ये जो हमारा होता है ये नॉन म्यूटेबल होता है। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा यहाँ पे डिक्शनरी है जिसमें की एंड वैल्यूज होते हैं, ये हमारा की है और ये हमारा वैल्यूज है, और इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये क्या हमारा, तो ले दे के बात ये आ गई कि हमारा डिक्शनरी जो होता है म्यूटेबल होता है, और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि जो तुम चेंजेज है वो केवल दो ही जगह कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? आप लिस्ट के साथ चेंजेस कर सकते हो, और आप डिक्शनरीज के साथ चेंजेस कर सकते हो। बाकी जो हमारे सेट हैं, जो हमारे टपल हैं, जो हमारे स्ट्रिंग हैं, उनके साथ आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो ये बड़ा एक छोटा सा मैंने आपको ये दिया है, आइडिया दिया है कि भाई इन चीज़ों को लेके हम काम कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अब यहाँ पे हमारे कुछ ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर देखो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो तो आप जानते हो। इसके अलावा जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम इज इक्वल टू,
अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ m इज इक्वल टू, और m के अंदर मान लो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ, ठीक। मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट 77 इन m, तो यहाँ पे हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है इन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा चेक करता है कि वो मेंबर वहाँ पे है या नहीं है। तो हम यहाँ पे यदि रन करें, चलो मैं काम करता हूँ इन सब फाइलों को उठा के एक फाइल में कॉपी करके रख देता हूँ, और ये मैं आज आपको मेल भेजूंगा। आज मैं इसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो मैं इसका नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग, मैं वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डालूंगा, ये बड़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैंने जानबूझ के आप लोग को दिया है कि थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रिंट 77 इन एम, रन करना, फॉल्स आ गया ना, मतलब वो नहीं है वहाँ पे, ये यहाँ पे नहीं है, तो ये हमें क्या दे रहा है, फॉल्स। तो यहाँ पे सर्च करना कितना आसान है ये देखो, अभी मैं यहाँ पे बोलता हूँ 22 इन एम, अभी मैं रन करूँ तो 22 है ना वहाँ पे, देखो ट्रू आ गया, ठीक। इसी का उल्टा आप लगा सकते हो, नॉट इन, मैं इसी का उल्टा लगा सकता हूँ 77 नॉट इन एम, ये क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, और मैं बोलता हूँ नॉट इन, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। अब यदि मैं रन करूँ, ये देखो आ रहा है, तो ये हमारा इन, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ये यहाँ पे मेंबरशिप को चेक करता है, इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, ये मेंबरशिप चेक करता है कि वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ हमारे होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन सा है, एक हमारा इन और एक हमारा नॉट इन, एक होता है यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, ये जो हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 20, मैं यहाँ पर बोलता हूँ बी इज इक्वल टू 20, अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्रिंट ए इज बी, अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो ट्रू, ये हमारा फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन यदि मान लो मैं यहाँ पर 20 डाल दूँ, तो अवधि मैं रन करूँ, ये देखो ट्रू आ गया। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, एक होता है इज, इज नॉट, मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ए इज नॉट बी, तो अब ये क्या दे देगा मुझे, ये यहाँ पर फॉल्स दे देगा, क्योंकि ए बी के बराबर है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं और इज नॉट बी। बाकी जो हमारे ऑपरेटर्स हैं ऑलरेडी तुम फैमिलियर हो, जैसे मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 2, अब अभी मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ बोलता हूँ 5 डबल डिवाइडेड बाई 2, अब अभी मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो एक में आ गया 2.5 और एक में आ गया 2। अभी मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट 5 परसेंटाइल 2, तो ये रिमाइंडर भी बता देगा ना, ये देखो आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ सी इज इक्वल टू 90, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ सी इज इक्वल टू 90, अवधि मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट सी प्लस प्लस, अवधि मैं इसको रन करूँ, तो याद रखना यहाँ पे ना ये प्लस प्लस नहीं चलता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस प्लस नहीं चलता है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी प्लस इक्वल टू, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ सी प्लस, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस नहीं चलता है, मतलब एक इंक्रीमेंट यदि तुमको करना है तो ऐसे करना होगा सी इक्वल टू सी प्लस प्लस, ऐसे करना होगा, या फिर इसी काम को तुम ऐसे कर सकते हो, तुम लिख सकते हो सी प्लस इक्वल टू 1, ये दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। यहाँ पे प्लस प्लस नहीं चलता है, ध्यान रखना, प्लस प्लस की जगह तुम यहाँ पे या तो ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब जब मैं रन करूँ तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 92 मिलेगी ना, ये देखो क्या मिलता है, 92 मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह से जैसे माइनस माइनस हम करते हैं यहाँ पे, तो हम ये नहीं कर सकते बाकी लैंग्वेज में होता है सी माइनस माइनस, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सी इज इक्वल टू सी माइनस इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे एक कम कर देगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये आता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो नहीं होता जैसे बाकी लैंग्वेजेज में हम लोग यूज़ करते हैं ना,
प्लस प्लस और ये सब, वो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप चलाने हैं। इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या है कि वैसा लूप जो रुके ही ना, चलता ही रहे। तो हम यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करते, हम बोलते हैं वाइल ट्रू। और भाई मैं यहाँ पे ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ वाइल ट्रू, और मान लो मैं यहाँ पे सिंपली बोलता हूँ प्रिंट प्रिंट संतोष। अब यदि मैं बोल देता हूँ वाइल ट्रू और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट संतोष, अब यदि मैं इस लाइन को यहाँ पे रन करूँ, अब ज़रा गौर से देखो, ये संतोष आता रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं। रुकना है तो कंट्रोल सी, ब्रेक करने के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे कंट्रोल सी। कंट्रोल सी लगा के तुम ब्रेक कर सकते हो। तो ये मोरलेस जो हमारा लूप है ये कौन सा है, इनफाइनाइट लूप है। तो कई बार ऐसी जरूरत होती है कि भाई मैं चाहता हूँ कि लूप चलता ही रहे, तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट लूप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और बाकी तो मैं आपको बताऊँगा, बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अभी बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मान लो यहाँ पर देखो, पाइथन में एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे दो नंबर को स्वैप करना है, दो नंबर को स्वैप करना है, मतलब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू है 20, मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी इज इक्वल टू 30। अब मैं चाहता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो बी को असाइन हो जाए और जो बी की वैल्यू है वो ए को असाइन हो जाए। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो ये परेशान करेगा मुझे, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो वो पता लगा इनफाइनाइट लूप में आ रहा है जो। ठीक, तो मुझे इन दोनों नंबर को स्वैप करना है, चेंज करना है। तो हम लोग याद है सी सी प्लस प्लस जावा वगैरह में काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ता था। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ए कॉलन बी इक्वल टू बी कॉलन ए, हो गया जी स्वैप। अब यहाँ पे प्रिंट कर दो ए कॉमा, अब मैं स्पेस ले लेता हूँ कॉमा बी। अभी मैं रन करूँ इसको, ये देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 30 और बी की वैल्यू क्या आ गई 20। ये देखो ए की वैल्यू 30 हो गई और बी की वैल्यू 20 हो गई। तो यहाँ पे नंबर स्वैप करना तो कितना आसान लाइन है, एक लाइन में तुम यहाँ पे नंबर को स्वैप कर सकते हो। बाकी लैंग्वेजेज में मुझे क्या करना पड़ता है, एक थर्ड वेरिएबल्स लेनी होती हैं और थर्ड वेरिएबल्स का यूज़ करके हम यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी थर्ड वेरिएबल्स की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। समझ में आई बात। तो ये छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम को आप करके देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स कैसे लगाते हैं, और इस ऑपरेटर्स के अलावा जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि आप लिस्ट कैसे लगाओगे, सेट कैसे लगाओगे, डिक्शनरीज कैसे लगाओगे, यहाँ पर स्ट्रिंग कैसे यूज करोगे, तो आप ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको करके देख लेना। मैं अभी मेल कर देता हूँ, होगा तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, और मैं इसे मेल कर देता हूँ, तो आप इसे करके देख लेना, कल फिर हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे डिटेल्स में इन्हीं चीज़ों के ऊपर। आज तो मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है लिस्ट की, सेट की, टपल की, आपकी आसान भाषा में आप समझ जाओ ये होता क्या है। कल हम फिर इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारी एक चीज़ बची हुई है, और क्या बची हुई है, वो जो क्वेश्चंस एंड आंसर मैंने आपको दिए थे, जो मैंने क्वेश्चन बोला था आपको करने के लिए, वो अभी आपकी बची हुई है, तो आपको मुझे वो करके दिखाना है। मीनाक्षी, आपने करने की कोशिश करी थी जो मैंने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिए थे? हाँ जी सर, करी थी जी। जो फैक्टोरियल वाले थे और वो जो पैलिंड्रोम वाले थे, वो जो मैंने प्रोग्राम दिया था जी। चलो मैं इसे मेल कर रहा हूँ यार, ठीक है? ठीक है सर, चलो कल मिलते हैं, मैं अभी इसे मेल कर दे रहा हूँ।